दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, यानी कि अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कैसे एक्सिस बैंक के अकाउंट में आप लोग मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, जिसमें कि आप लोगों को कहीं भी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। सो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये आप लोगों का एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग इसी एप्लीकेशन से ऑपरेट होती है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिलहाल हम इसको रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको लॉगिन कर ले रहे हैं। अगर आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आई बटन पर वीडियो पर लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग कैसे इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्टर हो जाने के बाद आप लोग ऐसे लॉगिन हो जाता है, आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है। अब आप लोगों को मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बॉटम साइड में आप लोग देख पाएंगे राइट साइड एक ऑप्शन दिया है मोर का। मोर का बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे सो आप लोगों का यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर बॉटम साइड में राइट साइड आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अदर सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते हैं आप लोगों का यहाँ पर लोडिंग लेने लग जाता है, और यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे हैं कि लोड ले रहा है। आप लोगों को कुछ सेकंड वेट करना है सो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखता है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है अपडेट मोबाइल नंबर करके, आप लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेंगे सो आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों को इस मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए आपको नीचे बटन दिख रहा है अपडेट मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कर लेना। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने को मांगा जा रहा है, सो आप लोग जिस भी मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं अपने एक्सिस बैंक अकाउंट में, आप लोगों को वो नंबर न्यू नंबर जो कि आप लोगों को यहाँ पर पुट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एग्री कर लेना है, टिक मार्क पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, सो आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो आप लोगों का जो ओल्ड मोबाइल नंबर था आप लोग उस पर ओटीपी आएगा तो उससे वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास मोबाइल नंबर नहीं है ओल्ड मोबाइल नंबर सो आप लोगों के आधार ओटीपी से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, या कस्टमर आईडी और पासवर्ड से, या फिर डेबिट कार्ड का यूज करके और उसकी पिन का यूज करके। सो फिलहाल यहाँ पर जो एकदम सिंपलेस्ट मेथड है वो आप लोगों का है ओल्ड मोबाइल नंबर का यूज करके, हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। सो यहाँ पर जिस भी आप लोगों के पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप लोग उससे इसको वेरीफाई कर लीजिए। सो यहाँ पर ओल्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं, सो यहाँ पर आप लोगों के ओल्ड मोबाइल नंबर जो इसमें लिंक है उस पर ओटीपी सेंड किया जाता है। सो आप लोगों को यहाँ पर अपनी मैसेज के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ओटीपी आ चुका है, 6 डिजिट का ओटीपी है, यही आप लोगों को ओटीपी यहाँ पर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहीं पर आप लोगों को ओटीपी 6 डिजिट की जैसे ही आप लोग पुट कर लेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे सो आप लोगों का मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, न्यू मोबाइल नंबर आप लोगों का अकाउंट से लिंक हो जाएगा और ओल्ड मोबाइल नंबर हट जाएगा, डी लिंक हो जाएगा। फिलहाल हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं सो यहाँ पर हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। आप लोग मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हैं सो आप लोगों को सिंपल यहाँ पर ओटीपी पुट करने के बाद आप लोगों का यहाँ पर रिक्वेस्ट ले ली जाएगी और आप लोगों का न्यू मोबाइल नंबर इस अकाउंट से लिंक हो जाएगा। सो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से अपने एक्सिस बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन मेथड का यूज करके। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।